गरीबी से बुरा हाल, धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। अरे ब्राह्मण, किधर को जा रहे हो? जानते भी हो यह मार्ग किधर जा रहा है? यह मार्ग द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महलों को जाता है। हे विप्र, तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ, ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ भाई। यह भी खूब रही, द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते न जाने कहां से, भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। भाई द्वारपाल, मुझ पर दया करो भाई। बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई, तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, उस कृष्ण को दे दो भाई। क्या हंसी ठट्टा करने को हम ही मिले हैं? तुम ठहरे दीन निर्धन फटे हाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली झलक रही है, और कहां महाराज श्री कृष्ण। क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा है संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। जाकर के कह दो तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। ऐसे करो, तुम जाओ भैया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात को समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, तुम ठहरे कुंवारे अकेले। अच्छा, मैं ही जाता हूँ।
आज भी लीलाधारी के चेहरे पर मुस्कान है, लगता है जरूर कोई नई लीला रचने वाले हैं। द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज, आपका परम मित्र है। हमारा परम मित्र कौन है? वो कहां से आया है? क्या नाम है उसका? द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो सकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा मुड़ के चले हैं पीछे, मुड़ के न देखे लीला, देखने वाले तो कुछ समझ न पाते हैं। गिरते हैं पड़ते हैं फिर उठ चलते हैं, जरा सोचो कहां एक दरिद्र ब्राह्मण और कहां एक राजा, सबके सामने वो तुम्हारा सम्मान कैसे करेंगे? शीघ्र ही निर्णय लो, लौट चलो। सुदामा क्या सोच रहे हो? संकोच न करो, लौट चलो। समय नहीं है सुदामा, लौट जाओ, शीघ्र ही लौट जाओ। देखो बुलावा भेजने में कितना विलंब हो गया, यदि बुलाना होता तो अब तक बुला नहीं लिया होता। लौट जाओ, लौट जाओ सुदामा, लौट जाओ। प्रेम परीक्षा की घड़ी आई, मित्र के नाम की होना हसाई, मित्र परायण कृष्ण कन्हाई, झूठा मित्र मनाने चले हैं। झूठा मित्र मनाने चले हैं। सुदामा, सुदामा किधर गया मेरा मित्र? कहाँ गया सुदामा? कहाँ गया मेरा मित्र? अरे सुदामा नजर नहीं आता। वो तो लौट गए द्वारकाधीश। कहाँ? इस तरफ गए। किधर? इस तरफ। सुदामा, सुदामा। लो वो फिर आ गया। सुदामा, 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 सुदामा। सुदामा, सुदामा, वर्षों के बिछड़े दो मीत आज सन्मुख है, नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है, बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। दोनों के नैनों में आंसू
आंसुओं के मोती है, मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। मेरी मित्र सुदामा, भाव भरी इस भेंट को देख रहा संसार, देखने वाले कर रहे कृष्ण की जय जयकार। प्रेम जगत में सार, आग्रह पूर्वक कृष्ण सखा को अंतःपुर में लेकर जावे। रानिया भव्य करे अभिनंदन, आरती वंदन कर हर्षावे। रानिया भव्य करे अभिनंदन, आरती वंदन कर हर्षावे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। चंदन हल्दी तेल अरू उबटन रहे लगाए, सेवक प्रभु के मित्र को कुंदन रहे बनाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे